हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं कस्टमाइज ग्राफिक मॉडिफिकेशन। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपनी शॉप पे, और शॉप पे जाने के बाद कुछ काम करेंगे। जो काम है वो आपका कार का इंटीरियर का काम है। तो गाइस, आप वीडियो पूरा देखिए, और आप सोच रहे होंगे कि ये बाइक की वीडियो ऐसे क्यों डाल रहा है चलाते हुए। तो गाइस, मेरे को ब्लॉगिंग करना भी बहुत पसंद है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ में ब्लॉगिंग भी शेयर करूँ थोड़ी बहुत, जाके कहीं आमने सामने कहीं जाते हुए ब्लॉगिंग शेयर करो। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग आपके लिए, आप जैसे कि देख सकते हैं, मॉडिफिकेशन ये लाए हैं कि कस्टमर ने अपने से इस पर स्प्रे पेंट मार लिया, तो ये पूरा बेकार सा हो गया है। तो ये जो है सेंट्रो जिंक का है, हॉर्न बटन प्रेस करने वाला है। तो इसे अभी हम लोग स्टिकर से कुछ मॉडिफाई करेंगे। स्टिकर से मॉडिफाई तो नहीं होता, सॉरी रैपिंग होता है। तो हम लोग इस पर रैपिंग करेंगे, तो आपको रैपिंग वीडियो पूरा दिखाएंगे गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सेंट्रो जिंक का ही है। तो अगर आपको ऐसा करवाना हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर मिल जाएगा। तो हुआ क्या था गाइस कि ये जो है थोड़ा सा पुराना टाइप का हो गया था, शायद ये पेंट मारने के बाद उतना नहीं लग रहा है जैसे कस्टमर बोले हैं। तो ये पुराना टाइप का हो गया था, तो इसको थोड़ा सा वो नया करने के लिए स्प्रे पेंट मार दिए। तो स्प्रे पेंट मारने के बाद जब इसको लगाएं, तो इस पर जब हॉर्न प्रेस करने लगे आस्ते आस्ते, तो ये पूरा पेंट निकलने लग गया। तो इसे अभी हम लोग करने लगे रैपिंग गाइस। तो आप लोग देखिए वीडियो, इन्जॉय करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर बहुत ज़्यादा करिएगा गाइस। आई होप कि आप शेयर कर ही देते हैं, और कर दीजिएगा गाइस कि थोड़ा वीडियो वायरल हो जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये काम पसंद आएगा तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अपना ये जो लोकेशन है जमशेदपुर होता है, तो जमशेदपुर पर आप आके करवा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, अब कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा लुक में तो आप देख ही रहे हैं कि कितना डिफरेंस आ गया है। अब इसको देखते हैं कार के इंटीरियर पे लगा के, ये कैसा लुक देता है।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, हम अभी भैया के पास एक काम भेजे थे जो कि लाइट लगाना था, एलईडी लाइट। तो लाइट लग चुका है, बट लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके वायर कहीं से कट है, जो उसको अर्थिंग मिल रहा है, तो कलर जो है येलो से वाइट हो जा रहा है। तो इस पे जो लाइट लगी है गाइस, वो येलो वाइट वाली लाइट इस पे लगी हुई है जो हमने कस्टमर को दी है। तो चलिए गाइस, वीडियो देखते हैं इसका भी थोड़ा सा कि काम कैसा हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, भैया को ये लाइट पसंद आई है। ये वाइट और येलो दोनों काम करेगी, फॉग के समय भी काम करेगी। और जैसे कि आप देख सकते होंगे कि इस पे बीच बीच पे थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट जल रहा है। तो इस पे क्या हुआ है कि तार कहीं कट गई है। जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं, इस पे हजार फ्लैशर हमने लगाया था, 16 टाइम पैटर्न्स, ये सॉरी 32 टाइम्स पैटर्न अलग अलग जो है इसमें ब्लैंकर आपके वर्क करेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं गाइज, अब ये वर्क कर रहे हैं।